हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके के चैप्टर 3 के बारे में जो कि है न्यू दिल्ली द हार्ट ऑफ इंडिया। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो नई दिल्ली है हमारे देश में, है ना, वो हमारे देश की जो राजधानी है वहाँ पर क्या क्या नायाब चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को जो यहाँ पर दिया गया है वो है क्या कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर वाला, इस तस्वीर में दिया गया है इट इज़ दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा कोर्ट, सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ मौजूद है, भारत के नई दिल्ली वाले इलाके में। इसके बाद है इट इज़ दी फेमस टेम्पल ऑफ बहाई धर्म का ये सबसे मशहूर जो है वो क्या मंदिर है, और इस मंदिर का नाम क्या है, द लोटस टेम्पल। तीसरा है जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनवाया गया था, ये किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा, है ना, और इसका नाम क्या है, जंतर मंतर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को दिया गया है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, भारत जो देश है उसमें सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है, नई दिल्ली में, और उसका नाम क्या है, जामा मस्जिद, ठीक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, और इस जगह को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन। छठवें नंबर पे जो जगह है ये हम लोगों का है लॉ मेकिंग बॉडी, यानी भारत में जहाँ नियम कानून बनता है ये वो जगह है, और इसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये कुछ जगहें हैं जो भारत के नई दिल्ली में मौजूद है। अब हम लोगों को जाना है कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत पुराने स्ट्रक्चर जो नई दिल्ली में मौजूद है। इसमें जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, इंडिया गेट, ठीक है। इसके बाद जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कुतुब मीनार, है ना। तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक टेम्पल की तस्वीर है, और इस टेम्पल का नाम है अक्षरधाम टेम्पल। चौथी जो तस्वीर है ये एक किला है, एक महल है जो काफ़ी समय पहले वहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, और इसको हम लोग लाल किला या रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको हम लोग अमर जवान ज्योति कहते हैं, ये एक मशाल है, एक ज्योति है जो दिल्ली में जलती है उन लोगों की याद में जिन्होंने देश के लिए जो है वो क्या है, कुर्बानी दी। तो ये जो चैप्टर है ये इस तरीके से हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ये सारा नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सारे नाम को आप बुक में फिल करेंगे।